तो सामान्य कार्य राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसे कहते हैं इमरजेंसी पावर, यानी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति कौन से आपातकाल लगा सकता है। ये बात है, इंग्लिश के वर्ड में यूज करूंगा। सबसे पहले अनुच्छेद 352, आपने पढ़ा होगा बारहवीं क्लास तक, खूब पढ़े होंगे 352, 356, 360, तीनों अनुच्छेदों के बारे में जानकारी, और आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन करूंगा, आपके जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, पीछे पीछे क्लासों में पढ़ गए हो आप, दसवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा सामाजिक की किताब के अंदर, बारहवीं क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर आपने पढ़ा होगा, और अब यहाँ और राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, भारत का ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जहाँ राष्ट्रपति से संबंधित सवाल नहीं आता। हर एग्जाम के अंदर राष्ट्रपति सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा। अभी जो कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपको राष्ट्रपति मिलेगा। तो ध्यान रखना, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कौन कौन से सवाल हमेशा उठते या उठते आए हैं या पीछे उठे हैं, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 352 क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है या आपातकाल लगा सकता है, उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरा प्रश्न यहां से एक और बनता है कि पूरे देश के अंदर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाने पर, आर्थिक मंदी उत्पन्न हो जाने पर, या मुद्रा स्फीति की समस्या आ जाने पर, गरीबी जैसी समस्या आ जाने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाई जाती है, उस आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्रों की विफलता होने पर आपातकाल, और वित्तीय संकट, तो इसका नाम आएगा वित्तीय संकट। वो भी पूरे देश के अंदर लगता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, इसका कारण अलग होता है, वो अलग तरीके से लगता है और ये अलग तरीके से लगता है। अब 352 किस स्थिति में लगाया जाएगा, कैसी स्थिति होगी तब लगाया जा सकता, ऐसे तो हर कोई राष्ट्रपति लगा सकता नहीं आपातकाल, अपने मन में आए वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती है, अगर ऐसी स्थितियां बन जाए तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता। देखिए, पहली स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर, सबसे पहले कि भारत पर बाहरी आक्रमण हो जाए, यानी हमारे देश के ऊपर अगर कोई दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। पहला काम क्या है, बाहरी आक्रमण। दूसरा कि भारत स्वयं युद्ध कर रहा है या किसी युद्ध में सम्मिलित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी देश स्वयं युद्ध करता है या किसी युद्ध में सम्मिलित होता है, यानी दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसमें अगर देश सम्मिलित होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। तीसरी स्थिति यहां और बनती है, तीसरी स्थिति है कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाई जा सकती है। आंतरिक सशस्त्र
आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जा सकती है। वापस ध्यान देना इधर कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगाई जाएगी, कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी तब लगाई जाएगी, यानी कौन सी स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। एक तो देश के ऊपर अगर कोई दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया जाए, इसे अपन कहते हैं बाहरी आक्रमण। अगर बाहरी आक्रमण कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा, यानी देश स्वयं युद्ध करता है, किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है, या किन्हीं दो देशों के बीच में चल रहे युद्ध में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और तीसरी बात है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर ही लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, आपस में हथियारों से लड़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है और कई एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान रखना कि यहाँ जो आपको सशस्त्र विद्रोह शब्द दिखाई दे रहा है, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द भारतीय संविधान के कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान के अंदर ये शब्द नहीं था। कब जोड़ा गया, पर जो संविधान संशोधन हुआ उसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत और 91वें संविधान संशोधन के तहत। वेरी गुड, 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था और उस समय सरकार किसकी थी, 1978 में मोरारजी देसाई सवास, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता दल के और उसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, एकदम अलर्ट होकर के सुनना कि इंदिरा गांधी ने जो 42वें संविधान संशोधन में जो बदलाव किए थे, उन बदलावों को वापस परिवर्तन करने का काम 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई ने किया था। क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती थी, मोरारजी देसाई कौन सी, भारतीय जनता दल से ताल्लुक रखते थे। ऐसी स्थिति में जो भी इंदिरा गांधी ने परिवर्तन किए, उन सारे परिवर्तनों को बदलने का काम, पूरों को तो अपन नहीं कह सकते हैं कि सभी को बदला, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको बदलने का काम किसने किया था, मोरारजी देसाई ने किया था। तो ये जो काल था, ये संविधान बदलने वाला काल माना जाता है। और भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद, जो सबसे विवादास्पद अपन कहे संविधानिक संशोधन कौन सा रहा था, तो 42वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद संविधान रहा था। और ये 2016 के फर्स्ट ग्रेड के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान के अंदर सबसे विवादास्पद कौन सा संविधानिक संशोधन रहा था, तो 42वां जो संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, वो सबसे ज्यादा विवादास्पद संशोधन था। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न पूछा गया, अब एग्जाम जो एक पेपर सेटर है उसका दिमाग कहां तक जा सकता है, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है, विवादास्पद। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 356, वो भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा विवादास्पद अनुच्छेद, उसके ऊपर अक्सर विवाद होते रहे, चाहे संविधान सभा के, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के गठन के समय भी हुआ था और आज भी हो रहा है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा विवादास्पद पद किसका है, तो विवादास्पद पद का नाम आएगा तो राज्यपाल का, राज्यपाल है वो, क्या है, विवादास्पद पद है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह जब भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन आज सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जा, तो इसके स्थान पर पहले क्या था, तो ध्यान देना, इससे पहले यहां पर क्या था, शब्द था मूल संविधान के अंदर आंतरिक असंतोष या इसे अशांति कह सकते हैं। यह शब्द भारतीय संविधान में मूल रूप से था, यानी कोई फिक्स नहीं है, आपातकाल लगाने के लिए अशांति असंतोष, ये क्या कारण हो गया आपातकाल का, तो
इंदिरा गांधी ने इसी चीज को जरिया बनाते हुए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, देश के अंदर इसके आधार पर आपातकाल लगाया था। तीन आपातकाल लग चुके हैं इसके आधार पर, ये जो तीनों शर्तें हैं, तीनों शर्तों के ऊपर अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुकी है, तीन बार लग चुकी है, लेकिन एक आपातकाल लगी थी वो इस आंतरिक असंतोष या आंतरिक अशांति को लेकर के लगाया। क्या बात हुई थी, पूरी कहानी सुनी कि भारत के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी सरकार अपनी इच्छानुसार सारे निर्णय कर रही थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने भी विपक्ष के लोग थे, विशेष रूप से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, उस समय शिक्षा अर्जित कर रहे थे, और वहां से एक यूनिवर्सिटी से एक आंदोलन शुरू हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, और वो आंदोलन इतना तेज गति से चला कि पूरे जो विपक्ष था उस समय का, वो विपक्ष पूरा इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुका था, और विपक्ष ने मिल करके एक अपना कैंडिडेट उतारा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। और रामलीला मैदान में 25 जून के दिन शाम को 6 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने अपनी एक सभा की थी, और उस सभा में जो सभा करने का नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने सभा करवाई थी, और सारा विपक्ष उस रामलीला मैदान में आता है और जयप्रकाश नारायण एक नारा देता है, कुर्सी छोड़ो जनता आ रही है। इंदिरा गांधी को ये एक नारे के माध्यम से कहा गया था कि कुर्सी छोड़ो जनता आ रही है, कि जनता आ रही है, अब आप कुर्सी से हट जाइए। ये बात किसने कही थी, जयप्रकाश नारायण ने। जब पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया था तो इंदिरा गांधी को अपनी सरकार गिरने का पूरा खतरा हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए थे। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून को रात को 11 बजे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिसको टेलीफोन किया जाता है और आपातकाल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, 25 जून को मध्य रात, और जो आपातकाल है वो लागू कब से हुआ, तो 26 जून को हुआ था। ध्यान रखना 26 जून को सुबह 6 बजे टेलीविजन के सामने, मीडिया को समय आकाशवाणी चला गया था, आकाशवाणी के सामने जाकर के इंदिरा गांधी स्वयं अपना व्यक्तित्व देती है कि देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल चुकी है, विपक्ष के लोग देश के अंदर आंतरिक अशांति फैला रहे हैं, इसलिए देश को आपातकाल की जरूरत है, और राष्ट्रीय आपातकाल डाल दी थी, और जितने भी विपक्ष के लोग थे उन सबको एक मीसा एक्ट लेकर आई थी इंदिरा गांधी, मीसा अधिनियम। उस अधिनियम के तहत जो भी उस समय उनके विपक्ष में थे उन सबको जेल में डाल दिया था। मीसा एक्ट के अंदर तीन बातें थी, ना अपील, ना दलील, ना वकील। ना आप अपील कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, ना वकील कर सकते हो। और उस समय जो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों को क्या करा दिया था, 1977 तक इनको जेल में रखा। और उसी समय जो लालू प्रसाद यादव, उसकी जब वो जेल में थे तो उसकी बड़ी बेटी का जन्म होता है, तो लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी का नाम भी क्या रखते हैं, मीसा। उस अधिनियम के तहत उसका नाम भी क्या रख दिया जाता है, मीसा रख दिया जाता है। मीसा एक्ट के अंदर क्या था कि आप ना तो दलील कर सकते हो, ना अपील कर सकते हो, और ना वकील कर सकते हो। ये सारे अधिकार उनसे छीन लिए थे, इसीलिए इसको मीसा एक्ट कहते हैं। और लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे, और उसके एक घर में एक पुत्री का जो जन्म होता है, बड़ी बेटी का, जिसका नाम रखा जाता है मीसा। और 1977 के अंदर इन सबको रिहा कर दिया जाता है, वापस चुनाव होते हैं, और जनता क्या करती है, कांग्रेस को छोड़ करके जनता दल के साथ और अन्य दलों के साथ चली जाती है, और पहली बार सरकार बनती है जनता दल की, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो बदलाव किए गए थे उन बदलावों को परिवर्तित करने का काम मोरारजी देसाई ने किया। तो यहाँ जो आंतरिक असंतोष, यानी आंतरिक असंतोष का मतलब क्या हुआ, ऐसे आरोप लगा दिया कि देश के अंदर अशांति, आंदोलन तो लोग करेंगे, आंदोलन की क्या है, उनको आजादी है, क्योंकि अनुच्छेद 19 उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, ऐसी स्थिति में ये आरोप लगा दिया। तो इस चीज को भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया जा रहा है, और आंतरिक असंतोष जो शब्द था उसके स्थान पर अब क्या हो गया है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। कौन से शब्द को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो अभी अगर आपको पूछ लिया जाए
कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंदर कौन सी स्थितियां होती है जिसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। एक तो बाहरी आक्रमण, दूसरे देश द्वारा आक्रमण करना या देश स्वयं किसी युद्ध में शामिल होना देश के द्वारा या स्वयं किसके ऊपर युद्ध करता है तो, और दूसरी बात आंतरिक सशस्त्र विद्रोह इस शब्द के आधार पर। अब ध्यान रखना अगली बात यहां और हो गई कि जो ये आपातकाल लगाई जाती है वो किसकी सिफारिश पर लगाई जाती है, सिफारिश किसकी ली जाती है। जैसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार तो लगा नहीं सकता, सिफारिश किसकी होती है तो ध्यान रखना सिफारिश मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल की भी कैसी सिफारिश कि वो लिखित सिफारिश होनी चाहिए, लिखित सलाह। अब ध्यान रखना पूर्व में क्या था, 44वें संविधान संशोधन से पहले ये भी क्या हुआ, ये भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर किया जाता है। जब मूल संविधान बना था तो उस समय ये चीजें नहीं थी कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं था मौखिक रूप से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक टेलीफोन के माध्यम से क्या कर दिया था, आपातकाल लगाई। तो इसका विरोध हुआ कि प्रधानमंत्री जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है, इसका मतलब तो राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं, यानी मंत्रिमंडल की सलाह भी नहीं ली गई। तो इसका मतलब इस चीज को हटा करके 44वें संविधान संशोधन ने क्या कर दिया कि अब आगे जो भी आपातकाल लगेगा 352 के तहत उस आपातकाल में पहले मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल, केवल प्रधानमंत्री नहीं पूरा मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह देगा। अब आप एक प्रश्न पूछोगे मेरे को, आप क्या पूछोगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क क्या हो, यह आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए लेकिन नहीं आया, मैं बता रहा हूँ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फर्क क्या होता है। ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन आते हैं, मंत्रिपरिषद में ध्यान रखना चार प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। एक नंबर कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है ध्यान रखना स्वतंत्र प्रभार, तीसरी बात राज्य मंत्री और चौथी बात उपमंत्री। हाँ बिल्कुल उसी के बारे में बता रहे, बहुत अच्छी बात है अगर आपका दिमाग इसकी तरफ गया है, पहली बार गया तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशी हुई इस चीज के बारे में ऐसा सुनकर के, दो बार है क्यों आया। भारतीय संविधान में कहा गया है कि मंत्री परिषद बनेगी कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से और उपमंत्री से, लेकिन व्यवहारिक रूप से चार प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं, जो भी उनका विभाग होता है उस विभाग के मुखिया कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उस विभाग से संबंधित एक राज्य मंत्री बनाया जाता है वो कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करता है, उससे नीचे उपमंत्री बनते हैं जो राज्य मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार का मतलब है अगर कोई राज्य मंत्री है और उसको कोई अलग से विभाग दे दिया जाता है, विभाग का मुखिया बना दिया जाता है, लेकिन मंत्री का दर्जा उसका कौन सा है, राज्य का है, लेकिन वो विभाग का मुखिया है तो ऐसी स्थिति में वो किसमें आ जाएगा, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होगा। अब ये तो है मंत्री परिषद के अंदर, लेकिन मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद इसमें फर्क है। मंत्रिमंडल के अंदर कौन आएंगे, ये तो मंत्री परिषद के आएंगे चारों, और मंत्रिमंडल में ध्यान रखना मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। अब ये जो शब्द है कैबिनेट, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन आएंगे, जो कैबिनेट मंत्री जो विभागों के मुखिया होते हैं वो ही आते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री सलाह देंगे, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री, बाकी वालों को पूछने की जरूरत नहीं है, इसको दो को तीन को चार को पूछने की जरूरत नहीं, एक वाले एक नंबर वाले यानी मंत्री परिषद में तो ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये सारे मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आएंगे तो केवल और केवल कौन आएंगे, कैबिनेट मंत्री, जो अपने विभागों के मुखिया होते हैं। और कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह से ही, लिखित सलाह से ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अब देखिए इस कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में हुआ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग
भारतीय संविधान में सर्वप्रथम या एकमात्र ऐसा अनुच्छेद, जब बाकी किसी भी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है, एक ही अनुच्छेद है जिसके अंदर कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, और वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352। बाकी किसी भी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द के बारे में कोई बात नहीं की गई है, एक अनुच्छेद है 352 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल अब कैबिनेट की लिखित सलाह से लगाएगा। और ये शब्द कब जोड़ा जाता है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको जोड़ा जाता है, पहले नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के अंदर जब ये प्रावधान किया गया, मंत्रिमंडल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे कैबिनेट, 352 में ये प्रावधान किया गया कि अब जो भारत का राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाएगा, ये आपातकाल कौन सी 352 वाली, जैसे बाह्य आक्रमण, स्वयं युद्ध करता है या सम्मिलित होना, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, इस प्रकार के कारणों से अगर आपातकाल लगाता है तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट की लिखित सलाह पर लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट शब्द भी 352 में पहली बार प्रयोग हुआ और एकमात्र अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया। आ गया समझ में आता या नहीं है? आज कुछ डीपली ज्यादा चला गया, आया नहीं है? वापस समझो, आ गया नहीं तो एक बार वापस रिपीट कर लू। आ गया समय सीमा की अगर हम बात करें तो 352 के तहत इस आपातकाल को कितने समय तक रखा जा सकता है, अधिकतम समय सीमा और न्यूनतम समय सीमा, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे इसके बाद। तो ध्यान रखना, इस राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उसके बाद में ये कितने समय तक प्रभावी रहेगी, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इसके आंसर ऑप्शन दूं आपको कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद यह आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहेगी। ऑप्शन नंबर एक 6 माह, ऑप्शन नंबर बी संसद के अनुमोदन तक, ऑप्शन नंबर सी 1 माह, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर संसद के अनुमोदन तक। अच्छा, आपने जवाब दिया कि संसद के अनुमोदन तक, इसका मतलब संसद 12 महीने तक अनुमोदन नहीं करेगा तो 12 महीने आपातकाल रहेगी नहीं, फिर 6 माह कोई नहीं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद में 1 माह तक आपातकाल रहती है, अगर 1 माह तक संसद ने अनुमोदन कर दिया तो ये आगे 6 महीने के लिए चली जाएगी। अगर संसद ने 1 माह के बाद अनुमोदन या अनुमति नहीं दी तो ये 1 महीने बाद में समाप्त हो जाएगी। तो यहीं पर समस्या होती है, ध्यान रखना। वापस समय सीमा है, राष्ट्रपति जिस दिन घोषणा करता है, घोषणा के 1 माह बाद संसद का अनुमोदन करवाना आवश्यक है, संसद का अनुमोदन होना यानी जब राष्ट्रपति घोषणा करता है, जिस दिन आपातकाल की घोषणा करेगा उसके 1 महीने बाद में संसद अगर उसे अनुमोदन कर देती है तो ये 6 माह तक लागू रहेगी। अगर संसद द्वारा अनुमति देने पर या अनुमोदन करने पर यह 6 माह तक लागू रहेगी। अब संसद अगर 1 महीने बाद भी अगर अनुमोदन नहीं करता है तो 1 महीने बाद ही समाप्त हो जाएगी। अगर संसद ने 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन कर दिया है, अनुमति दे दी है, तो यह आपातकाल 6 महीने के लिए चली जाएगी। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए
कि राष्ट्रीय आपातकाल का समय अधिकतम समय होता है। ऑप्शन नंबर एक मां, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी 6 माह और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 6 माह गलत आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल का समय अनिश्चित होता है, ध्यान रखना अनिश्चित, कितने भी साल तक रखी जा सकती है। अब ध्यान दीजिए कैसे रखी जाती है, इसका कारण मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, 1 महीने बाद संसद ने क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया। ये आगे कितने महीने बाद, कितने महीने तक बढ़ जाएगी, 6 माह तक। 6 महीने से पहले फिर संसद ने अनुमोदन कर दिया, कितनी आगे बढ़ जाएगी, 6 महीने, फिर अनुमोदन 6 माह, अनुमोदन 6 माह, अनुमोदन 6 माह, ऐसे करते करते अनिश्चित, इसका समय होता है वो अनिश्चित होता है, कितने भी समय तक रखा जा सकता है। जैसे ये 6 महीने पूरे हो उससे पहले संसद एक बार फिर अनुमोदन कर दे कि आपातकाल को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। फिर 6 महीने पूर्ण हो उससे पहले एक बार फिर संसद अनुमोदन कर दे, अनुमति दे दे, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। तो इसकी अवधि होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है, ध्यान रखना, एक समय नहीं होता, अनिश्चित होती है। तो इसकी अवधि है, इस आपातकाल की अवधि होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित क्यों होती है, इसका कारण मैंने बता दिया कि संसद द्वारा हर 6 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन आगे कर दिया जाता है, तो 6-6 महीने आगे ये बढ़ती रहती है। लेकिन पहला अनुमोदन कितने महीने बाद होना चाहिए, घोषणा के 1 माह के अंदर। अगर 1 माह तक घोषणा के अंदर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपातकाल समाप्त हो जाएगी। अगर संसद ने एक बार अनुमोदन कर दिया और 6 महीने बाद में, यानी 6 महीने पूरे होने को है और 6 महीने तक संसद ने अनुमोदन नहीं किया, तो आपातकाल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और 6 महीने से पहले एक बार फिर अनुमोदन कर दिया कि आपातकाल बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर 6 महीने बढ़ जाएगी। फिर अगले 6 महीनों तक संसद ने वापस अनुमोदन नहीं कर दिया, तो फिर ये 6-6 कितने हो गए, 12 महीने हुए, 12 महीने में समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसद फिर अगर अनुमोदन कर दे तो फिर 6 महीने बढ़ जाएगी, फिर 6 महीने बाद और अनुमोदन कर दे, फिर 6 महीने बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ती रहती है। तो इसका कार्यकाल है वो जो समय होता है या अवधि होती है वो अनिश्चित होती है। लेकिन राष्ट्रपति एक बार जो आपातकाल की घोषणा करता है वो 1 माह तक प्रभावी रहती है, और संसद के अनुमोदन के बाद वो कितने माह तक प्रभावी रहेगी, तो 6 माह तक प्रभावी रहेगी। अब अगला प्रश्न यहां कि राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की घोषणा कर दी है, अगर मान लो वहां लोकसभा भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसका अनुमोदन कौन करेगा। लोकसभा सदन नहीं हो, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा भंग हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन, और लोकसभा अगर भंग हुई हुई है तो ऐसी स्थिति में इसका अनुमोदन कौन करेगा, यानी इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, कौन कर सकता है बताइए। भाई संसद के अंदर कितने सदन होते हैं, दो होते हैं, लोकसभा भंग है तो एक और बच गया पीछे, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा द्वारा भी अनुमोदन किया जा सकता है, और वो अनुमोदन मान्य। अब मान लो कि लोकसभा भंग है और राज्यसभा ने इसका अनुमोदन कर दिया और नए चुनाव हो गए बीच में, और चुनाव होने के बाद नई लोकसभा गठित हो गई, तो नई लोकसभा गठित होती है क्या लोकसभा से अनुमोदन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। राज्यसभा ने 6 महीने के लिए कर दिया अनुमोदन और उसके 10 दिन बाद चुनाव होते और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो उसके बाद लोकसभा की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी या जरूरत नहीं, लेनी पड़ेगी, और वो 1 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी, क्योंकि नई लोकसभा आ चुकी, लोकसभा का गठन हो चुका, दूसरा सदन आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा की भी अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, ये भी शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया फिर लोकसभा, नई लोकसभा का गठन हुआ फिर लोकसभा को पूछने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पूछना पड़ेगा। तो ये इसकी शर्त होती है कि इसकी जो समय सीमा है घोषणा के 1 माह बाद संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो 1 महीने बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर संसद द्वारा अनुमति देने पर 6 माह तक लागू रहेगी, फिर और संसद अगर अनुमति दे तो फिर 6 महीने चले जाएगी, फिर और अनुमति दे फिर 6 महीने चले जाएगी। इसलिए इसकी अवधि है वो क्या है, अनिश्चित, फिक्स नहीं है, अनिश्चित, कितने भी साल तक इसको बढ़ाया
जा सकता है, कितने भी साल तक रखा जा सकता है। अगर मान लो लोकसभा नहीं है, यहाँ नोट लगा के लिख सकते हो नोट, अगर लोकसभा भंग है तो उसका अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। फिर नीचे नोट लगा के लिखिए, नई लोकसभा का गठन होने पर एक माह के अंदर अंदर लोकसभा की भी अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। ऐसे लिख सकते हो आप नीचे, चलो ये चीज आपके क्लिक करता है। अगली बात है समाप्त करना। इस आपातकाल को समाप्त किस प्रकार किया जा सकता है? अगर 352 के तहत आपातकाल लगी हुई है, अगर उसको समाप्त करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है? पहली बात, संसद द्वारा अनुमोदन न होने पर आपातकाल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर संसद ने अनुमोदन नहीं किया तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। संसद द्वारा अनुमोदन न होने पर आपातकाल समाप्त हो जाएगी। पहली शर्त तो ये होगी, अगर संसद ने अनुमोदन नहीं किया तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी अवधि के अंदर पढ़ा था कि संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। अगर संसद अनुमोदन नहीं करे तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करना। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने पर किसकी आपातकाल समाप्ति की? आपातकाल लागू की भी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल समाप्ति भी घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तीसरी बात है, संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करना। संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसको समाप्त किया जा सकता है। अब अगर समाप्ति का पूछ लिया जाए तो एक तो संसद द्वारा जब अनुमोदन नहीं होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगी, दूसरी बात राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है आपातकाल समाप्ति की, और तीसरी बात संसद है वो दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको समाप्त कर सकते हैं। ये तीन शर्तें होती है समाप्ति। अगली बात है इसके प्रभाव क्या होंगे? जब आपातकाल लगती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव सबसे पहले ये है कि नागरिकों के अनुच्छेद 20 व 21 इसको छोड़ करके बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जा सकते, ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबन किया जा सकता है, निलंबन करने का अधिकार है। प्रतिबंधित का मतलब होता है निलंबन करना या प्रतिबंधित करना है, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता मूल अधिकार। तो पहली बात प्रभाव यह आएगा कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? निलंबन वाला, तो ये अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 क्या है? जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ था? अपराधों के संबंध में संरक्षण, जिसमें तीन शर्तें थी कि जिस व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया जा रहा है
उस समय के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कानूनी सहायता अर्थात वकील करने की छूट होगी। और तीसरी बात उसके अंदर क्या थी कि व्यक्ति को स्वयं की गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 20 कह रहा था। 21 है वो प्राणदेही स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता देता था। आपातकाल के समय किसी व्यक्ति को मारने हेतु या मरने हेतु प्रेरित नहीं किया जाएगा, जीवन जीने की उसको आजादी होगी। इसके अलावा बाकी सारे अनुच्छेद वो क्या करनी चाहिए, निलंबित करनी चाहिए। बाकी आप आराम से इधर उधर जो घूमने की स्वतंत्रता है आपकी उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत कौन सी परिस्थितियों में, ध्यान रखना तीनों में से भी दो परिस्थितियों के अंदर लगती है तो अनुच्छेद 19 का क्या होता है, उल्लंघन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको घूमने फिरने की आजादी नहीं होगी। वो कौन सी, अगर देश के ऊपर आक्रमण होता है तब, या देश किसी युद्ध में शामिल या सम्मिलित होता है तो, अगर सशस्त्र विद्रोह के तहत आपातकाल लगी है तो 19, 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों का हनन यानी उसको निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। बाकी ये तीन अधिकार आपके पास रहेंगे, उस समय आपको स्वतंत्रता की आजादी रहेगी। जो हमारे मूल संविधान में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी अनुच्छेद 19(1) के तहत, अभी वर्तमान में कितनी, 6 प्रकार। ये सशस्त्र अगर विद्रोह के तहत आपातकाल लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद 19 मिल जाएगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के तहत नहीं लगी है, किसी देश के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है या हमारा देश किसी युद्ध में शामिल है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 का आपको अधिकार नहीं होगा, अनुच्छेद 20 और 21 का आपको बिल्कुल अधिकार होगा। इसके अलावा जितने मौलिक अधिकार है उनका भी अधिकार आपको नहीं होगा। दूसरी बात, सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19, 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे, निलंबित किए जा सकते। ये बात अनुच्छेद 358 के अंदर लिखी, 358 में कहा गया है कि जब देश के अंदर आपातकाल लगी और सशस्त्र विद्रोह के तहत आपातकाल लगी है तो आपको अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की आजादी होगी, अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के संबंध संरक्षण हेतु आजादी होगी, अनुच्छेद 21 प्राणदेह की आजादी होगी। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी सारे मौलिक अधिकार है उनको उनका निलंबन किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। और अब यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात थी कि आपातकाल के समय अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है क्या आप न्यायालय में जा सकते हो, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अपने सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपकी रक्षा करता है और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आपकी रक्षा करता है। तो अगर आपके मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 20 का हनन हो रहा है तो क्या आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते, क्योंकि 20, 21 और 19 ये तीन अनुच्छेद, 20, 21 किस स्थिति में, जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ है उस समय अगर आपातकाल लगी हुई है तो, या देश किसी युद्ध में शामिल है उस समय अगर आपातकाल लगी हुई है तो आप केवल 20 और 21 के तहत न्यायालय में शरण ले सकते हो, 19 के लिए नहीं जा सकते। अगर सशस्त्र विद्रोह के तहत आपातकाल लगी है और आपको जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, बाकी किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार है तो आपातकाल के समय आप वकील नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात भारतीय संविधान में लिख रखा है। 359 के तहत संविधान निर्माताओं ने लिखा कि जब देश के अंदर आपातकाल लगी हुई होगी यानी युद्ध होगा देश के ऊपर, बाहरी आक्रमण होगा या देश किसी युद्ध में शामिल होगा तो ऐसी स्थिति में 20-21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। दूसरी बात, सशस्त्र विद्रोह के समय देश के अंदर अगर आपस में हथियारों की लड़ाई शुरू हो गई तो 19-20-21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकारों का कुछ समय के लिए आपातकाल के समय तक उसका क्या किया जाएगा, निलंबन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी अनुच्छेद 358 बात कर रहा है।
उसके आपातकाल के जस्ट बाद में आपको सारे मौलिक अधिकार जो पहले थे वो वापस मिल जाएंगे। ये प्रभाव होता है राष्ट्रीय आपातकाल से। देखिए तो देखिए अब तक ये कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, वो है तीन बार। कब लगा? पहला आपातकाल लगा भारत चीन युद्ध 1962, दूसरा आपातकाल लगा भारत पाक युद्ध 1971, और तीसरा आपातकाल लगा आंतरिक अशांति। सशस्त्र को ध्यान रखना 1978 में सशस्त्र शब्द आया था, लेकिन ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, जो कि 25 जून 1975 को लगाया। ये चीजें भी आप नोट कर लें, 25 जून 1975 को लगाया गया। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित बातें, और अब बच गई अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्रों की विफलता के संबंध में, और अनुच्छेद 360 की वित्तीय संकट के समय में आपातकालीन शक्तियां क्या होगी राष्ट्रपति की, उसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।